इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। और जितने भी लोग यहाँ मीडिया के लोग जितने भी यहाँ आए, जहाँ जहाँ से भी आए हैं, मैं उनको उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको मुबारकबादी पेश करता हूँ। और जो ये उर्स कमेटी है, ये सालों से खिदमत कर रही है यहाँ पर। ये उर्स कमेटी सालों से यहाँ खिदमत कर रही है और 400 साल पुरानी दरगाह है। 400 साल पुरानी यहाँ दरगाह शरीफ है, हजरत पीर सैयद मीरा शाह वली और मुमताज़ बेगम, ये जो उर्स पाक है, तो इन तमाम नौजवानों की इनकी मेहनतें हैं। और एक लंबे अरसे से इन्होंने गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से यहाँ परमिशन के साथ ही यहाँ उर्स का प्रोग्राम होता है। मैं तमाम लोगों को मुबारकबादी पेश करता हूँ और जितने भी जहाँ जहाँ से भी आए हैं। और हर बुधवार के दिन बाद नमाज मगरिब यहाँ फातिहा खानी होती है और लंगर आम होता है। फातिहा खानी, नात खानी, उलमाए किराम तशरीफ़ लाते हैं और लंगर आम होता है। मैं इस संदर शरीफ में जितने भी यहाँ लोग आए हैं, मीडिया के लोग, प्रेस के लोग, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कमेटी की जानिब से और मुबारकबादी पेश करता हूँ। जुमला मुसलमाना ने आल बेलगाम को हजरत मीरा शाह वली रहमतुल्लाह अलैह और माँ साहिबा हजरत मुमताज़ बेगम रहमहुल्लाह अलैहा के उर्स पाक मुबारक। हजरात, सदियों से ये सिलसिला जारी व सारी है। ये दौर था जब इस इलाके में ना ये बस स्टैंड था, ना ये सर्किट हाउस था और ना इस तरह की कोई चहल पहल थी। लेकिन कई सदियां गुजर गईं। सदियों से हजरत मीर शाह वली का मज़ार पाक यहाँ पर मौजूद है और बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत, हिंदू, मुस्लिम, सिख ईसाई इस बारगाह में हाज़िरी देते आए हैं और इनके फ़ैज़ व बरकात से हमेशा फैज़ उठाते आए हैं। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हर साल की तरह हजरत मीरा शाह वली अलैहि रहमा का संदले पाक हमने लगाया, चादर मुबारक पेश की और नजराने सलातो सलाम पेश किया गया। बेलगाम के लिए, कर्नाटक के लिए और पूरे बेलगाम के लिए इनके वसीले से खुदा की बारगाह में दुआ की गई कि अल्लाह पाक इस वक्त की एक इंतहाई मोहलिक वबाई मर्ज कोरोना से हमारे शहर बेलगाम की हिफाजत फरमाए और रियासत कर्नाटक की हिफाजत फरमाए। हजरात, हस्ब मामूल कल यहाँ पर उर्स पाक मनाया जाएगा। मैं इस मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ जुमला शिरकत करने वाले हिंदू और मुस्लिम से और बिलखसूस हजरत मीरा शाह उर्स कमेटी के जुमला जिम्मेदारान की बारगाह में मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ। और साथ साथ मैं गुजारिश करता हूँ कि सदियों से, साल हा साल से जो सिलसिला चला आया है, आप जुमला हजरात उस सिलसिले को बरकरार रखें। और इस मौके पर मैं आवाज़ देना चाहता हूँ कि ये औलियाए किराम, ये हमारे इस्लामी उसूल के मुताबिक हरगिज़ कभी भी किसी गसब की हुई ज़मीन पर या सरकारी ज़मीन पर या किसी की पब्लिक प्रॉपर्टी पर ना इस्लामी कायदे के मुताबिक मस्जिद बनाना जायज़ है, ना किसी मैयत को दफन करना जायज़ है। अब रहा मसला हजरत मीरा शाह वली का, तो यकीनन ये उस वक्त से ये मज़ार पाक है, ना मौजूदा गवर्नमेंट थी, ना मौजूदा गेजेट था, ना मौजूदा कानून था। यकीनन उस वक्त से है ना, सदियों से ये सिलसिला जारी व सारी है। यकीनन कानून के मुताबिक ये औलिया इकराम के बारे में हमारा ईमान और अकीदा है। यकीनन हमारे बुजुर्गों ने हरगिज किसी
कसब की हुई जमीन पर या दूसरे की जमीन पर हर किस अपने किसी भी मस्जिद को, तो दूर की बात, फिर जब आम मस्जिद को, आम मुसलमान को दफन करना जायज नहीं है, है ना? तो ये औलिया कराम के मजार पाक बनाना या उनको दफन कराना कैसे जायज होगा? तो यकीनन ये शहर बेलगाम ये वलियों का शहर रहा, बुजुर्गों का शहर रहा है, अल्लाह वालों का शहर रहा है, और यहाँ की यकीनन हजारों एकड़, हजार नहीं बोल रहा हूँ मैं, हजारों एकड़ जमीनें यकीनन शहंशाहों ने, बादशाहों ने, राजा महाराजाओं ने यकीनन इन अल्लाह वाले बुजुर्गों के नाम पर, सूफिया इकराम के नाम पर उन्होंने वक्फ कर दिया था। शायद हमारी कुछ कमी है ना कि हम उन चीज़ों की जानिब तवज्जो नहीं दे सके हम यकीनन इस सिलसिले में, है ना? लेकिन बहरहाल ये हमारा ईमान और अकीदा है कि सदियों से जो मज़ार पाक की ज़मीन पर है, आज भी है, कल भी रहेगा, और इंशाल्लाह क़याम क़यामत तक हजरत मीरा शाह वली के ये मज़ार पाक बाकी रहेगा, और दुनिया बिला तफरीक मजहब, कम्युनिटी और कास्ट के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिस तरह आज तक भाईचारगी के साथ इस मज़ार पे हाजिरी देते आए हैं, इंशाल्लाह क़यामत तक ये सिलसिला करता है। अल्लाह पाक इस मीरा शाह वली के सदक़े में हमारे बेलगाम को अमन सुकून का शहर बनाए, हम भाईचारगी का शहर बनाए, यहाँ के अमन सुकून के इत्तेहाद के फ़िज़ा को अल्लाह पाक कायम रखे, और मर्ज कोरोना और दूसरी बीमारियों से, बलाओं से, मुसीबतों से, है ना, फितना और फसाद से अल्लाह पाक हमारे शहर शहरे बेलगाम की हिफाजत फरमाए, मीरा शाह वली का ये फैज़ क़यामत तक जाए।